हेलो गाइज, वेलकम बैक। और आज की वीडियो में गाइज हम लोग क्रिप्ट इवेंट जो ये आया हुआ है इसके अंदर जाएंगे और खेल के देखते हैं क्या होता है। बट उससे पहले गाइज मैं आपको एक बार टैलेंट्स दिखा देता हूँ, तो चलते हैं टैलेंट्स की तरफ। तो ऑफेंस के अंदर मैंने कुछ ऐसा करके रखा है। बट गाइज हम ये टैलेंट सेट क्यों किए हैं यहाँ पे आपको ये भी देखना होगा। फॉर एग्जाम्पल अगर मैंने यहाँ थंडरस ब्लो को अगर रखा है तो क्योंकि मैं स्पेशल अटैक 2 बहुत ज़्यादा यूज़ करता हूँ इसलिए मैंने इसको सिलेक्ट किया है। आप चाहे तो ना ये नहीं, ये भी नहीं, कहाँ चला गया। अच्छा, रैपिड रेस्पॉन्स है। अगर आप स्पेशल अटैक 1 ज़्यादा करते हैं तो आपको इसको सिलेक्ट करना चाहिए और इसको मैक्स आउट करना चाहिए। और यहाँ डिफेंस के अंदर आप देख सकते हैं हम रेवेनेंट और सिनॉक टीचिंग्स को मैक्स आउट करके रखे हैं। इससे जो आपका डिफेंस है वो बहुत ही ज़्यादा स्ट्रांग हो जाता है, स्पेशली जब आप गोल्ड कैरेक्टर्स के साथ खेलते हो तो। और सपोर्ट के अंदर मैंने बोर स्टेंस को मैक्स आउट करके रखा है। अगर आपका ओपोनेंट स्टन हो जाता है तो 30% चांस है कि उसके ऊपर शील्ड ब्रेक अप्लाई हो जाएगा और शील्ड ब्रेक होने से डैमेज बहुत ही ज़्यादा इंक्रीज हो जाता है। ठीक है गाइस, अब चलते हैं सीधे क्रिप्ट की तरफ, देखते हैं ये इवेंट है क्या। 2 ही ट्राइज बचे हुए हैं और मैंने टीम को पहले ही सेट कर लिया है। मैं बस आपको एक बार जल्दी से इक्विपमेंट्स को दिखा देता हूँ। तो लुकैंग के ऊपर हम लोग ये इक्विपमेंट्स यूज कर रहे हैं। रैथ हमार, डायनेस्टी परेड यूनिफॉर्म, बायोनेट और चेंसो। टर्मिनेटर के ऊपर ब्लेडेड फैन, डार्क मेंटल, T800 एंडोस्केलेटन और अर्थ एलिमेंटल फेस मास्क। और रेडन के ऊपर हम लोग रिवॉल्वर्स, साहोखान हेलमेट, साइक बॉम्ब और थंडर लॉर्ड स्ट्रॉन्ग वेबर, इन 4 इक्विपमेंट्स को यूज करने वाले हैं। ठीक है, अब हम लोग चलते हैं बैटल की तरफ। You are about to enter the crypt. Once you have entered, you won't be able to edit or difficulty or the team until the end of your run. Are you sure you want to continue? बिल्कुल यार, क्यों नहीं। जैसा कि मुझे लगा था ये सर्वाइवल मोड की तरह है। एक बार आप एंटर कर जाओगे तो उसके बाद आप अपने कैरेक्टर्स को निकाल नहीं सकते जब तक आप या तो टावर कंप्लीट नहीं कर लेते या आपके सारे कैरेक्टर्स डेड नहीं हो जाते। तो 2 ही को सिचुएशन है। ठीक है, तो हमको यहाँ करना क्या है? अच्छा, हम ऐसे जा सकते हैं ना, और इस स्कल का मतलब शायद फाइट होगा जैसा कि मुझे लगा था। ठीक है, अच्छा तो इनके पास टावर इक्विपमेंट्स भी है। ठीक है, पर इतने ज्यादा डिफिकल्ट है नहीं, इनका अटैक्स बहुत कम है। पहले ये ऑटो हटाओ यार, वैसे भी शुरू का बैटल है इसलिए शायद इजी आ रहा है। और देखा जाए तो अगर पहला मैच ऐसा है तो होपफुली आगे के मैचेस बहुत ही ज़्यादा डिफिकल्ट हो सकते हैं। SP2 नहीं करना था। अरे हाँ, इसके पास ये भी है ना, टावर इक्विपमेंट की एबिलिटीज। यार बहुत डल हो गया लग रहा है, 10 महीने तक नहीं खेलने से ऐसा ही होता है। बिल्कुल, SP1 भी बहुत गलत टाइम पे किया, कोई डैमेज ही नहीं लगा उसको। ठीक है, 1 down नहीं हुआ, सिट। 1 time ये सबको बचाता है ना। SP2 करेगी, ठीक है, ज्यादा डैमेज हुआ नहीं। अनब्लॉकेबल गियर भी है इनके पास, बहुत सही। ठीक है, देखा जाए तो बैटल हार्ड है, मतलब मैं काफी इजीली जीत गया। बट अगर पहला मैच ऐसा है तो मैं उम्मीद कर रहा हूँ कि आगे के मैचेस बहुत ही ज्यादा डिफिकल्ट हो सकते हैं। यहाँ चलते हैं। सैटर 2000 कॉइंस ना। अच्छा, मेरे कॉइन्स हमको देने होंगे। अच्छा, मतलब हमको ऐसे ऐसे रिवॉर्ड मिलेगा। और ये क्या है, हेल्थ पोशन। अच्छा, कंज्यूमेबल्स भी हमको मिलेगा। राइट और लेफ्ट, राइट चलते हैं। एक और रिवॉर्ड, एक और कंज्यूमेबल। ठीक है, रिवाइव पोशन ही है। अच्छा, तो ऐसे देखा जाए तो गाइस कॉन्सेप्ट काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग है। एक और फाइट,
मतलब हमको मजा आ रहा है, बताने क्यों, मतलब हमको इसी तरह फाइट करते जाना है और आगे बाहर के क्या बोलते हैं हार्ट्स को कलेक्ट करना है, और क्या बोलते हैं बहुत सारे कंज्यूमेबल्स भी मिलेंगे उनको भी कलेक्ट करना है, ताकि हम बैटल में ज़्यादा देर तक सर्वाइव कर पाए। ठीक है, वैसे क्या कॉन्सेप्ट तो काफ़ी अच्छे हैं। ठीक है, ऐसा नहीं करना था, हम भूल गए थे कि लुकैंग बहुत ही ज़्यादा स्लो हो गया है यार, हालत खराब कर दिया ये लोग, वन डाउन काफ़ी इजीली। टावर इक्विपमेंट्स के अपने एडवांटेज हैं, बट मेरा हेल्थ बहुत जल्दी जल्दी रिड्यूस हो रहा है। हम यहाँ से निकलेंगे, क्योंकि अगर ये पॉइजन कर दिया तो हम वैसे भी डेड हो जाएंगे। ठीक है, दूसरा बैटल भी काफी इजीली क्लियर हो गया, हालांकि इसमें मेरा हेल्थ थोड़ा लो हो गया है कैरेक्टर्स का। ना ना, सिर्फ रेडन का हेल्थ लो हुआ है, बाकी लुकैंग और टर्मिनेटर तो एकदम ओके हैं। एक्चुअली हम टर्मिनेटर को तो यूज भी नहीं किया, और हार्ट मिल गया हमें, राइट और लेफ्ट, राइट चलता। ठीक है, एक और रिवॉर्ड, 12 हार्ट, ये प्लस 76 बोनस है, तो मेरे हिसाब से 97 मुझे ऐसे ही मिलेगा, और 76 मतलब 92 जो अभी मिला मेरे को, ये टोटल मिलेगा ना, और अभी ये मतलब ऊपर ऐड हुआ नहीं है, मतलब जब तक मेरा सारा करेक्टर डेड नहीं होगा या हम इसको कंप्लीट नहीं कर सकते तब तक हमको शायद ये हार्ट मिलेगा नहीं। और 12 15 20 ऐसे करके मिल रहा है, और जो कैरेक्टर्स है उनको बाय करने के लिए मुझे कितना 10,000 कह रहा मतलब चाहिए ना, एक्चुअली बहुत ज्यादा चाहिए यार। ठीक है, अभी के बैटल्स तो ज्यादा हार्ड है नहीं। ठीक है, और हार्ड बैटल मिल गया यार, इतना ब्रोकन कैरेक्टर ना रेडन, क्या बताऊं। इंटर करने से अपोनेंट का 40% हेल्थ डाउन, ठीक है, ये भी कंप्लीट हो गया काफी इजीली। वैसे हमको मजा आ रहा है, पता नहीं क्यों बहुत ज्यादा मजा आ रहा है, मतलब ऐसा सर्च करना कहाँ पे क्या है नहीं है और फिर बैटल करना, काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग कॉन्सेप्ट है। चलो, एमके मोबाइल ने कुछ तो मतलब अच्छा किया, यहाँ पे एक रिवॉर्ड मिलेगा हार्ट, और उसके बाद बैटल, तो मतलब ये जो पूरा इवेंट है ना, इसमें चारों तरफ ऐसे ही बहुत सारे स्कल्स हैं, मतलब बैटल्स वाले स्कल्स, और बहुत सारे जगह पे कंज्यूमेबल्स हैं और रिवॉर्ड्स हैं, तो हमको बस उनको सर्च करते जाना है, और हम इनको अवॉइड भी कर सकते हैं, जैसे कि अगर हम उस डायरेक्शन में नहीं जाएंगे दूसरा साइड से जाएंगे, तो हम चाहे तो फाइट्स को अवॉइड भी कर सकते हैं और रिवॉर्ड्स को भी ले सकते हैं। कॉन्सेप्ट काफ़ी अच्छा है देखा जाए तो। चलो, 2 डाउन और ये भी डाउन, ठीक है यार, काफी इजीली हो गया। हमको लगता है जब तक हम 10-12 को बैटल्स कंप्लीट नहीं करेंगे ना, तब तक हार्ड बैटल्स नहीं आने वाले, मतलब एक्चुअल हार्ड, जो सर्वाइवल मोड वाले हार्ड होते हैं ना, 13 या 14 नंबर वाले बैटल्स जो होते हैं सबसे ज्यादा हार्ड, उस लेवल के बैटल्स मुझे अभी मिलने वाले हैं नहीं शायद। और ये एक्चुअली अच्छा है, मतलब मुझे तो हार्ट्स कलेक्ट करना है ना, जितने ज्यादा हार्ट्स होंगे उतना अच्छा है मेरे लिए। इस बैटल में एक दो कैरेक्टर्स थोड़े से एनोइंग हैं, नहीं नहीं एक्चुअली तीनों कैरेक्टर्स एनोइंग हैं यार, इसका नाम क्या था, क्लासिक गोरो, तो गोरो डेड होने के बाद एक बार फिर से आएगा। चलो, टर्मिनेटर आ गया मुझे बचाने के लिए, और मिलीना आते ही बहुत ही खतरनाक अटैक करने वाली है। अरे भाई, मेरा प्रैक्टिस एकदम खत्म हो गया, देखा आ गई ना, और बहुत ज्यादा डैमेज। रोबोट के ऊपर ब्लीड कैसे अप्लाई होता है मुझे तो ये समझ में नहीं आता। टर्मिनेटर ऑलमोस्ट डेड है,
हमको लगता है एक हेल्थ पोर्शन लेना पड़ेगा, और अगर इसने एस पी टू किया तो लुकैंग भी ऑलमोस्ट 50% हेल्थ पे आ जाएगा। यार क्रीपर रेसिस्टेड, इनके पास रेसिस्टेंस वाले इक्विपमेंट भी है। बैटल्स हार्ड हो रहे हैं गाइस, धीरे धीरे हार्ड हो रहे हैं। और टर्मिनेटर का हेल्थ बहुत कम है, बट अभी शायद हमको हेल्थ पोशन लेने का जरूरत पड़ेगा नहीं, क्योंकि टर्मिनेटर को तो वैसे भी हम यूज करने वाले हैं नहीं। एक और बैटल खेल के देखते हैं, और अगर रेडन या लुकैंग का हेल्थ थोड़ा कम हो जाता है तो अच्छा, ये बैटल थोड़ा हार्ड है क्योंकि इसके अंदर है डार्क फेट टर्मिनेटर जो कि बहुत एनोइंग है। कमबख्त एंडोस्केलेटन मरता ही नहीं है और डैमेज बहुत कम लेता है। स्कारलेट तो पीस ऑफ केक है, बहुत जल्दी मर जाएगी। अच्छा भूल गया था ना, ये पैसिव डैमेज भी देती है। यार गलती कर दिया। वैसे गाइस अगर कोई कंफ्यूज है कि हम रीजनरेट कैसे कर रहे हैं, तो मेरा ऊपर एक टावर इक्विपमेंट है जो कि एस पी टू यूज करने के बाद रीजनरेशन देता है। क्या मजाक है यार, इनके पास टावर इक्विपमेंट है जो डैमेज रिफ्लेक्ट भी करता है। ठीक है, अब तो हमको हेल्थ बार लेना ही पड़ेगा। सेट, फिर से डैमेज हुआ, हालांकि चांसेस बहुत कम होंगे। डैमेज रिफ्लेक्ट करने का जो चांस होगा वो काफी कम होगा। अच्छा हुआ मेरे पास ये इक्विपमेंट है, वरना मेरा हेल्थ तो बहुत डाउन हो जाता। ठीक है, ये बैटल एक्चुअली हार्ड हो गया था, वो भी इनके इक्विपमेंट्स के कारण। मतलब ऐसा हो सकता है कि अगर हम आगे चलते तो इनके पास और भी डेंजरस इक्विपमेंट आएंगे, और उसके लिए मतलब क्या बोलते हैं, इनका जो अटैक और हेल्थ है ना वो बहुत ज्यादा होने का जरूरत है नहीं। ठीक है, इस पॉइंट पे तो हमको पहले हील करना पड़ेगा अपने आप को, क्योंकि मेरा कैरेक्टर्स बहुत ही ज्यादा वीक है। रेडन ऑलमोस्ट डेड हो गया था, लुकैंग के पास अगर रीजनरेशन नहीं होता ना तो लुकैंग भी अब तक डेड हो जाता। मतलब डेड नहीं होता पर हेल्थ बहुत ज्यादा कम हो जाता। ठीक है, अभी के लिए इतना ठीक है। Do you wish to fight the boss to proceed to the next floor? You won't be able to go back after defeating him. अच्छा, ये ऐसा लगता है कि राउंड वन का बॉस फाइट है। मतलब अगर राउंड वन कंप्लीट करना है, मतलब राउंड टू में जाना है, तो मेरे को पहले राउंड वन को हराना होगा। ठीक है, वैसे इतने ज्यादा भी डेडली ये है नहीं। टावर इक्विपमेंट्स है, एक सेकेंड गाइज, मैं थोड़ा हेल्थ फुल कर लेता हूँ अपने कैरेक्टर्स का। ठीक है, हो गया। तो उम्मीद है कि इनको मैं हरा सकता हूँ, ब्लंडर बस ना हो जाए यार। इसके अंदर मेरे हिसाब से सबसे ज्यादा एनॉइंग कैरेक्टर है रेन, जो कि काउंटर अटैक करता है बीच बीच में, और फायर गुड लुकिंग भी काफी डेंजरस है। रेडन होपफुली ज्यादा टाइम लगेगा नहीं इसको मारने में। चलो वन डाउन। रेडन होने से ना टीम में बहुत ज्यादा हेल्प मिलता है। बच गया, बहुत क्लोज था। क्रीपल अगर इसके ऊपर से हटा तो मेरे लग जाएंगे रास्ते। या यार सिट, एक्सरे ओपन हो गया है। अगर ये एक्सरे किया तो मेरा कैरेक्टर डेड हो जाएगा। प्लीज भाई डेड हो जाना। बच गए यार, थोड़ा क्लोज हो गया था। मतलब मेरे कैरेक्टर्स डेड नहीं हुए थे, पर अगर ये एक्सरे कर देता ना तो एक कैरेक्टर तो मैं डेड हो ही जाता, क्योंकि रेवेनेंट के एक्टिव होने के चांसेस बहुत ही ज्यादा कम है। ओनली 25% है, लार्ज हेल्थ स्टोन। ठीक है, क्या यार तू मजाक कर रहे हो,
मतलब हमको कोई हार्ट नहीं मिला, बस एक लार्ज हेल्थ स्टोन। वैसे हेल्थ स्टोन इतना बुरा भी नहीं है, क्योंकि जो सिचुएशन चल रही है मुझे हेल्थ स्टोन की बहुत ज्यादा जरूरत पड़ने वाली है। अच्छा फिर से नॉर्मल कैरेक्टर्स आ गए ना यार, अनब्लॉकेबल सेट। इसके पास सबसे ज्यादा एनोइंग इक्विपमेंट है, मिसाइल्स लॉन्च करने वाला। ये इक्विपमेंट गाइस बहुत ज्यादा हॉरिबल है। ओह नो सेट यार, हम पावर को जनरेट भी नहीं कर सकते। अच्छा रिस्ट्रिक्शन भी आने वाला है बैटल्स के ऊपर अब बहुत से। ठीक है गाइस, राउंड टू तो थोड़ा ज्यादा हार्ड हो गया। चलो अच्छा हम ब्लॉक कर लिया था, प्लस बोन शील्ड भी आ गया था जो ज्यादा डैमेज होता नहीं। ये मरने के बाद फिर से आएगा। अच्छा नहीं आया, इसको मारना बहुत ही ज्यादा एनोइंग है, बहुत ज्यादा टाइम खाता है, पर अभी डैमेज अच्छा हो रहा है, प्लस इसका हेल्थ भी बहुत ज्यादा है नहीं। ठीक है हो गया। ठीक है गाइस बैटल्स हार्ड हो रहा है, हम बैटल में एंटर करने से पहले चेकआउट भी नहीं किए क्या मतलब रिस्ट्रिक्शन है। ठीक है इसमें है कंज्यूमेबल, हाँ तो जितने भी ग्रीन बॉक्स है उनके अंदर कंज्यूमेबल्स हैं, और जितने भी नॉर्मल बॉक्स है उनके अंदर हार्ट है। ठीक है नहीं 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 नॉर्मल बॉक्स के अंदर भी कंज्यूमेबल्स हैं। अच्छा जो स्टोन्स है उनके अंदर हार्ट है ना, जैसे इसके पास हार्ट होगा। हाँ तो स्टोन्स के अंदर हार्ट है और बॉक्सेस के अंदर कंज्यूमेबल्स हैं। ठीक है काफी अच्छे हैं। ठीक है तो मेरे हिसाब से हमको यही सब को कलेक्ट करना चाहिए, फाइट हम बाद में करेंगे, पहले हम यही सब कलेक्ट कर लेते हैं और हम इन फाइट्स को अवॉइड भी कर सकते हैं, पर करेंगे नहीं हम, मतलब सारा बैटल्स कंप्लीट करने के बाद ही जाएंगे। लीथल स्ट्राइक्स, ठीक है ये मॉडिफायर थोड़ा सा डेंजरस हो सकता है। MK11 लुकैंग, ना ये लोग काफी ज्यादा वीक है। स्ट्राइक फोर्स स्कॉर्पियन अगर अपोनेंट का टीम में नहीं है ना तो मतलब बैटल इतना ज्यादा हार्ड होगा नहीं। स्ट्राइक फोर्स स्कॉर्पियन मैच को बहुत ज्यादा डिफिकल्ट बना देता है, हमको कैरेक्टर चेंज करने का भी जरूरत नहीं पड़ा यार, ये बैटल तो बहुत ज्यादा सिंपल था। ठीक है एक और हार्ट स्टोन, एक बात अच्छा लगा यहां पे लोडिंग टाइम थोड़ा सा कम है। अभी हम यही सब सर्च करने वाले हैं, जितना हो सके उतना फाइंड आउट कर लेते हैं। अच्छा स्टोन्स में भी मतलब जो स्टोन ज्यादा वैल्यूएबल है उसके अंदर ज्यादा मतलब हार्ड है, और हम बैटल्स को अवॉइड भी कर सकते हैं, जैसे यहाँ पे स्कल है अगर हम चाहे तो इसको मतलब फाइट नहीं करेंगे और नीचे से निकल जाएंगे, है ना, मतलब अवॉइड भी कर सकते हैं फाइट्स को, बट हम ऐसा करेंगे नहीं अभी के लिए, हम अवॉइड कर रहे हैं लेकिन इसको हम फिर से क्लियर करेंगे जरूर। अभी पहले हम कलेक्ट कर लेते हैं जितना हमको ऊपर ऊपर से मिलता है।
हम अभी सेकंड फ्लोर में, तो शायद हम फर्स्ट फ्लोर में भी बहुत सारा मतलब मिस कर दिया शायद, क्योंकि हम ऊपर चलते गए और नीचे हम गए नहीं, तो नीचे भी बहुत सारा शायद बैटल्स को हम छोड़ दिए, तो हमको एक बार नीचे भी जाना होगा। ठीक है गाइस। अच्छा तो हम मतलब इसको छोटा बड़ा भी कर सकते हैं ना। अच्छा तो नीचे हम जाएंगे एक बार। तो अभी के लिए गाइस मुझे लगता है कि मुझे यहीं पर रुक जाना चाहिए, क्योंकि वीडियो ऑलरेडी काफी लंबी हो चुकी है। अगर आप इसका पार्ट टू देखना चाहते हैं तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं और हम वहीं से कंटिन्यू करेंगे। एक बार हम बाहर निकल के देख लेते हैं कि अंदर जाने के बाद मतलब सेम वही वाला सिचुएशन आ रहा है कि नहीं आ रहा है, या कुछ चेंज हो जाएगा। तो सब कुछ सेम है। ठीक है गाइस, तो अगर गाइस इसका पार्ट टू आपको चाहिए तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताना और मैं इसका पार्ट टू भी अपलोड कर दूंगा। हालांकि मुझे लगता नहीं कि पार्ट टू के अंदर भी मैं कंप्लीट कर सकता हूँ, हो सकता है पार्ट थ्री तक ये जा सकता है बहुत आराम से। ठीक है गाइस, तो आज की वीडियो को मैं यहीं पर एंड करता हूँ और फिर मिलता हूँ आपसे किसी नए वीडियो के साथ।